Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn ENV subject. आज हम करने जा रहे हैं chapter 3 की worksheet. Choose the correct answer and fill in the blanks. यहाँ पर students आपको option दिए हैं. आपके option के according हम ये fill in the blanks fill up करेंगे. तो first हमें option दिया है bungalows, protect, home, huts, cement. The first है we all live in a dash with our family. हम सब अपने family के साथ कहाँ रहते हैं? बंगलोज में. Protects, home, huts, के cement, home. Yes, हम सब अपने family के साथ कहाँ रहते हैं? Home में. तो answer क्या आएगा? H-O-M-E, home. Next is our house dash us from heat, cold and from animals and thieves. हमारा घर हमें गर्मी, ठंडी, animals और thieves यानी चोरों से क्या करता है? Bungalows आता है? No. Protects? Yes. हमें क्या करता है? Protects. तो क्या लिखेंगे हम? P-R-O-T-E-C-T-S, protects. चलो ये ऑप्शन आ गया, ये भी ऑप्शन आ गया, है ना? चलो डैश डैश आर स्ट्रॉन्ग. बंगलोज, हट्स, केसीमेंट. स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? बंगलोज. कौन स्ट्रॉन्ग है? बंगलोज. स्टूडेंट्स, हट्स स्ट्रॉन्ग होता है? नो, क्योंकि वो क्ले और इससे बना होता है, क्ले और स्ट्रो से बना होता है, इसलिए वो स्ट्रांग होता नहीं है. नेक्स्ट, डैश आर नॉट वेरी स्ट्रांग. जो स्ट्रांग नहीं है, कौन स्ट्रांग नहीं है? हट्स. हट्स स्ट्रांग नहीं है, है ना? नेक्स्ट, बंगलोज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड डैश. बंगलोज में ब्रिक्स और किससे बना है? सीमेंट से. तो यहाँ हम लिखेंगे सीमेंट. आई होप ये पूरी ब्लैंक सबको समझ में आ गई हो, है ना? नाउ नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर. इसमें आपको टिक करते जाना है. एक या दो भी आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आंसर आएगा, दो भी आ सकते हैं. ओके, अ लिविंग रूम हैज. लिविंग रूम में क्या होता है? सोफा होता है? यस. कारपेट? यस. विसल्स, बर्तन होते हैं लिविंग रूम में? विसल्स यानी बर्तन. बर्तन होते हैं लिविंग रूम में? नो, लिविंग रूम में बर्तन नहीं होते हैं. और डाइनिंग रूम हैज डाइनिंग टेबल एंड चेयर. डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल होंगे? यस. बकेट होगा? बकेट, बाल्टी. बाल्टी कहाँ होती है? वो तो बाथरूम में होती है, तो ये आएगा नहीं. टूथब्रश? नहीं. नेक्स्ट इज अ किचन हैज. किचन में क्या होगा? गैस स्टोव होगा? यस, गैस स्टोव है. विसल्स, बर्तन होंगे? यस, किचन में बर्तन भी होंगे. और सोफा, किचन में सोफा होगा? नो, किचन में सोफा नहीं होगा. नेक्स्ट इज अ बेडरूम हैज बेड्स. बेडरूम में बेड तो होंगे ही ना? यस. फैन? यस, फैन के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, है ना? बेडरूम में बेड होगा, फैन होगा. बाथटब होगा? बाथटब? नो, बेडरूम में बाथटब नहीं हो सकता, वो कहाँ होता है? बाथरूम में. चलो बाथरूम में क्या क्या है? अ बाथरूम हैज बकेट. बकेट है? यस. टॉवेल? यस. टेबल्स? टेबल्स की जरूरत है बाथरूम में? नो, तो बाथरूम में टेबल्स नहीं आएगा. चलो ये तो हमने लास्ट सेशन में कर लिया था, है ना? अब ये देखते हैं. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. ये आपको सारे वर्ड्स याद रखने हैं और लिखने हैं. जैसे कि H O U S E, हाउस. D I N I N G, डाइनिंग. R डबल O M, रूम. डाइनिंग रूम. नेक्स्ट इज स्टेयरकेस. स्टेयरकेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी, दादर.
जो हमारे घर में होता है ना, उसे क्या कहते हैं? स्टेयर केस, STAIR, स्टेयर, CASE, केस, स्टेयर केस, उसका मतलब होता है दादर। बंगलो, BUNGALOW, बंगलो। नेक्स्ट इज LIVING, लिविंग, ROOM, रूम, लिविंग रूम। GARAGE, गैरेज। गैरेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बंगलोज में नीचे पार्किंग एरिया होता है ना, उसे क्या कहते हैं? गैरेज, GARAGE, गैरेज। HUT, हट, हट यानी झोपड़पट्टी। KITCHEN, किचन। GARDEN, गार्डन। SMALL, स्मॉल, HOUSE, हाउस, स्मॉल हाउस। BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथ रूम। BALCONY, बालकनी। बालकनी का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? घर के बाहर या बेडरूम के बाहर आपको थोड़ी सी जगह दी होती है, उसे क्या कहते हैं? बालकनी। बिग हाउस, बेड रूम। लॉबी, LOBBY, लॉबी। लॉबी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है? एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, उसे क्या कहते हैं? लॉबी। अगर आप अपार्टमेंट में भी जाओ तो एक फ्लैट और हमारा फ्लैट जो होता है और सामने वाले का जो फ्लैट होता है, दोनों के घर के बीच में थोड़ी सी जगह होती है ना, उसे क्या कहते हैं? लॉबी। इग्लू, IGLOO, इग्लू। इग्लू मीन्स जो उस आइस से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? इग्लू। तो ये सारे स्पेलिंग्स आपको लर्न करने हैं, लिखने हैं। ओके, थैंक यू।